हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 18 या 19 अगस्त 2022 जन्माष्टमी पूजा विधि, ये है इस बार का शुभ मुहूर्त। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। प्राचीन कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन हुआ था। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी पर दो दिन का संयोग बना हुआ है। पंचांग के अनुसार इस साल जन्माष्टमी पर कई शुभ योग भी रहेंगे, जिससे यह दिन और भी अधिक खास होगा। आज हम आपको साल 2022 में जन्माष्टमी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कृष्ण पूजा के दिन पर बन रहे शुभ योगों के बारे में बताएंगे। जन्माष्टमी शुभ मुहूर्त 2022। पंचांग के अनुसार इस बार जन्माष्टमी 18 और 19 अगस्त को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि आरंभ होगी 18 अगस्त रात्रि 9:20 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त रात्रि 10:59 पर। कृष्ण जन्माष्टमी शुभ योग 2022। पंचांग के अनुसार इस साल जन्माष्टमी का पर्व बेहद शुभ योग में मनाया जाएगा। ज्योतिष अनुसार जन्माष्टमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग, वृद्धि योग और विजय योग बन रहा है। 18 तारीख को ध्रुव और वृद्धि योग रहेगा। यह योग 18 अगस्त की रात में 8:42 तक रहेगा। इसके बाद से ध्रुव योग शुरू होगा। यह योग 19 अगस्त की रात 8:59 तक रहेगा। ये सभी योग बेहद खास हैं। इस योग में किए गए कार्यों का परिणाम शुभ होता है। जन्माष्टमी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। ज्योतिष अनुसार साल 2022 में जन्माष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 18 अगस्त को है। अष्टमी तिथि 18 अगस्त को शाम 9:20 पर शुरू हो रही है और 19 अगस्त को रात 10:59 पर समाप्त होगी। निश्चित काल पूजा 18 अगस्त की रात 12:03 से लेकर 12:47 तक की जाएगी। इसके अलावा निशिताकाल पूजा की कुल अवधि 44 की होगी और व्रत का पारण 19 अगस्त को सुबह 5:52 के बाद होगा। जन्माष्टमी व्रत पूजन विधि। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होकर नवमी के दिन व्रत का पारण होता है। व्रती को एक दिन पूर्व सप्तमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और अगले दिन अष्टमी तिथि में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर व्रत का संकल्प लेकर ही व्रत शुरू करना चाहिए। सबसे पहले पूजा स्थल पर बाल गोपाल की प्रतिमा स्थापित कर उनका श्रृंगार करें और देवकी जी के लिए एक प्रसूति गृह बनाएं। वहां पर शुभ कलश की स्थापना करें। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री और तुलसी का भोग लगाएं। अंत में उन्हें झूला झुलाएं। इस तरह विधिवत पूजा करने के बाद पारण मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। पूजा में श्री कृष्ण जी को अर्पित करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख लेनी चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्तों को बासी नहीं माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारी पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।